तो हेलो, कैसे हो सारे? आप सबका स्वागत है हमारे आज के न्यू वीडियो में। बिना कोई टाइम गवाए अपन अपने आज की वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अपन बात करने वाले एडमिनो एंड गॉड लाइक के बारे में। तो एडमिनो जब लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तब लोग उनको ऐसा पूछ रहे थे कि क्या आप कभी गॉड लाइक को लीव करने वाले हो क्या, या फिर आप कभी गॉड लाइक को लीव कर रहे हो क्या। तो इस चीज़ का उन्होंने रिप्लाई करा था। एंड पास्ट उनको जो एलिगेशन लगे थे टूटू वाले, उस पर उन्होंने रिप्लाई करा था। तो उनका पूरा रिप्लाई आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एग्जाम है अरे भाई, पढ़ो, एग्जाम इंपॉर्टेंट है। मैंने एग्जाम दिया, मेरे पे तो एलिगेशन लग गए थे, आप भी दे लो, आप पे तो नहीं लगेंगे। छोड़ो, सबके अपने अपनी सोच होती है, सोच तो ना बदल सकते किसी की। भाई आप हमेशा गोडल के साथ रहना। भाई मैं तो रहूँगा, मेरे को निकाल दे तो बात अलग है। इश इश, मैं क्या कर सकता हूँ। हेटर्स पोर्टेड सोल वन आई क्योर। भाई कोई भी कुछ भी आ सकता है, ये गेम अब ऐसा ही बन चुका है कि अब इसमें कोई वन साइडेड कर ही नहीं सकता। बट हाँ, जिसकी किस्मत में लिखा होगा उसको सब मिलेगा। जो अपना जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना मिलेगा। यू गेव अस सो मच हैप्पीनेस, डोंट लीव अस अलोन। ज़रूर भाई, मैं तो पूरा अपना प्रयास करूँगा ये सब जो आप बोल रहे हो करने का। आप सबके लिए मेरे पास एक एक्साइटिंग न्यूज़, तो क्या आप भी चलाना चाहते हो एक ब्रांड न्यू कार, या फिर S23 अल्ट्रा फोन, या फिर आईफोन 15, या फिर पहनना चाहते हो एप्पल के एक 9 सीरीज वॉच, ये सब पॉसिबल है। तो प्लीज ध्यान से सुनना, OneXBet जो कि फर्स्ट प्रोफेशनल प्रिडिक्शन प्लेटफॉर्म है इंडिया का, वहाँ पर यह सब पॉसिबल है। बस आपको ये प्रिडिक्ट करना है कि IPL के अंदर टीम 1 जीतेगी या फिर टीम 2। एंड अगर आपका प्रिडिक्शन सही होता है तो आप यहाँ पर बहुत सारे रिवॉर्ड भी जीत सकते हो। तो पिन कमेंट के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। एंड आप अपना प्रोमो कोड Real66 भी यूज कर सकते हो, जिसके मदद से आपको 66,000 तक का बोनस मिलेगा। तो जल्दी जाओ और इस ग्रैब करो। एंड अपनी वीडियो को अपन आगे बढ़ाते हैं, अपन बात करने वाले कैमिनी स्पोर्ट्स के बारे में। तो कैमिनी स्पोर्ट्स के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल से एक स्टोरी डली थी, एंड स्टोरी को उनके ओनर ने भी रीशेयर करा था। स्टोरी के अंदर ऐसा लिखा हुआ था कि दिस इज टू इन्फॉर्म दैट देर इज नो BGMI फ्री फायर रोस्टर इंक्लूडिंग मैनेजर कोचेस एनालिस्ट आर एसोसिएट विद कैमिनी स्पोर्ट्स। मतलब उनका ऐसा कहना था यहाँ पर, क्योंकि कोई अभी BGMI लाइनअप नहीं है, कोई फ्री फायर लाइनअप नहीं है, मैनेजर कोच एनालिस्ट कुछ अभी उनके पास नहीं है। मतलब अभी तक साहब उन्होंने रिलीज कर दिया है। एंड देखते हैं अभी कैमिनी स्पोर्ट्स हमें आगे कंटिन्यू करते हुए देखने को मिलेगी या नहीं। एंड इस पर आपको क्या कहना है आप कमेंट करके जरूर बताना। अपनी वीडियो को मैं आगे बढ़ाते हैं, अपन बात करने वाले स्काउट के बारे में। तो स्काउट जब लाइव आए थे तो बात करते भी जो बहुत सारे BGS के अंदर प्लेयर पे एलिगेशन लग रहे उसके बारे में, जो प्लेयर बैन वगैरह हो रहे उसके बारे में। एंड इसी के साथ साथ लोग उनको बोल रहे थे कि आपके एक ही घर में दो अलग अलग टीम्स रहती है, इसलिए दोनों टीम्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ पा रहा है। तो इसी चीज़ का स्काउट ने रिप्लाई करा था, तो उनका रिप्लाई भी आप देख लो। बट प्लेग्राउंड फिनाले, उफ व्हाट अ फिनाले, व्हाट अ फिनाले। कृष्ण इज अ न्यू बीस्ट ब्रो, नो कमेंट्स ऑन एनीथिंग। अब मैं ई-स्पोर्ट्स पैशनली खेलता हूँ, मुझे पता है क्या चीज़ें होती है क्या चीज़ें होती नहीं है, बट कुछ कमेंट्स नहीं है इनके ऊपर। कल को उठ के एक और हैकर आएगा, हैक करके ऊपर पहुँच जाएगा T1 में, और एक साल बाद वही प्लेयर बन जाएगा। जैसे आज के डेट में कितने सारे हैकर्स हैं जो अभी T1 प्लेयर्स बन के बैठे हैं। बट वही है, जैसे आपको अभी कुछ कुछ प्लेयर्स को सस लगता है, वो देखो आपके सामने 6 महीने तक रहेंगे, 6 महीने के बाद उनकी परफॉर्मेंस गायब हो जाएगी। 6 महीने ग्राइंड कर लेंगे अच्छे प्लेयर्स के बीच में और इम्प्रूव हो जाएंगे। सिंपल है मेरे भाई, तो इसलिए मैं किसी कमेंट नहीं कर रहा कौन सा प्लेयर क्या है। बाय द वे, मैंने एक रिसेंटली मैंने कमेंट पढ़ा था कि भाई घर पे दो टीम है करके टीम परफॉर्मेंस नहीं आ रही। मेरे भाई TX पूरी एक रूम से बाहर नहीं निकलती शाम तक, टीम जीरो वो हॉल से बाहर नहीं निकलती है। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों टीम सुबह ब्रेकफास्ट करती है और रात को डिनर करती है, उसके अलावा दोनों टीम अपने रूम में ही रहती है और खेलती है, उसमें कैसे आपको, आप मुझे एक लॉजिकल बताओ कैसे इलाके बकचोदी करते हैं। पहली बात, हमारा घर मुंबई में है नहीं कि रोज पार्टी शार्टी दारू वो सब होगा, कुछ नहीं है। हमारे लड़के छोटे हैं, हमारे लड़के कुछ ये सब करते नहीं हरकत, 5 लड़के उधर 5 लड़के इधर, बात खत्म भाई। डिस्ट्रैक्शन जीरो है ब्रो, और परफॉर्मेंस नहीं आ रही वो कुछ अलग रीजन है, खेल नहीं रहे अच्छा, सिंक में नहीं खेल रहे। एंड अपन बात करते हैं हस्टर के बारे में। तो हस्टर एक चीज़ से खुश नहीं थे बेसिकली, उनके यहाँ पर ऐसा कहना था कि जो ऑडियंस है वो सेकंड पोजीशन है थर्ड पोजीशन वाली टीम को सपोर्ट नहीं करती, इनफैक्ट फर्स्ट पोजीशन वाली टीम को भी सपोर्ट नहीं करती अगर उनकी फेवरेट टीम ना हो तो। एनी सब चीज़ों के बारे में वो बात कर रहे थे, तो उनका ओपिनियन जो था वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली ट्रू। तुमको पता है गाइस के ऑडियंस की वजह से पता है सेकंड और थर्ड की वैल्यू नहीं रही। मेरे को है ना थोड़ा सा ना ये बायसनेस लगता है एक तरीके से ऑडियंस का टीम्स के प्रति। मैं एग्जांपल देता हूं, अगर गॉडल यहां पे, पता है इंडिया में क्या चल रहा है, इंडिया में है ना ये अलग बकचोदी है कि 16 टीम जब एक टूर्नामेंट खेलती है एक ऑफिशियल वाला, तो जनता को फर्क नहीं पड़ रहा है फर्स्ट कौन आ रहा है, जनता को सच में फर्क नहीं पड़ रहा है फर्स्ट कौन आ रहा है, अंटिल अनलेस वो गॉड लाइक नहीं तो सोल में से कोई एक टीम हो। अगर सोल और गॉड लाइक दोनों ही फर्स्ट नहीं आ रही ना, जनता को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है कि फर्स्ट कौन आ रहा है, उनको बस फर्क किस चीज से पड़ रहा है कि भाई गॉड लाइक फैंस हम बजेंगे अगर गॉड लाइक फिफ्थ आ गई और सोल 12वें पे आ गई।
अगर गॉड लाइक फिफ्थ आ गई और सोल सिक्स पे भी आ गई तो भी हम बचेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जाए फर्क नहीं पड़ता। तो मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मेरे को एक ही चीज गलत लगती है कि हैशटैग वन का उतना वैल्यू नहीं किया जाता जितना होना चाहिए, अंटिल अनलेस वो हैशटैग वन सोल नहीं तो गॉड लाइक में से किसी एक को मिले, समझ लो बस इतना मेरा कहना है इन शॉर्ट। ना बीजेएमआई ऑडियंस की बात चल ही रही है तो हैवान जब लाइव स्ट्रीम कर रहे थे लोग उनको ऐसा बोल रहे थे कि जब बीजेएमआई उसमें भी वाचिंग बहुत ज़्यादा कम आ रही, इनफैक्ट सोल एंड गॉडलाइक के मैचेस में भी कम वाचिंग आई थी, 100K हिट नहीं हुई थी, तो इसका रीज़न क्या है? तो इसी बारे में वो बात कर रहे थे तो उनका रिप्लाई भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वाचिंग आ क्यों आ रही है सोल गॉडल के मैचेस में, पहले 170K आती थी 180K आती थी बट इस बार ओनली 80K और 108K, इज दिस बिकॉज ऑफ आईपीएल और बीजेएमआई गोइंग डाउनहिल? आई डोंट थिंक बीजेएमआई इज गोइंग डाउनहिल बट हाँ मेन रीजन तो आप ये भी बोल सकते हो कि आईपीएल है, और दूसरी रीजन ये है कि जो लास्ट वाला जो गॉडलाइक का मैच था उसमें आई थिंक 98K गया था वॉचिंग, क्योंकि साला थंबनेल में जॉनथन या कोई गॉडलाइक का मेंबर था ही नहीं। तो और मैं ये क्यों बता रहा हूँ मालूम है, क्योंकि मेरे को इंस्टाग्राम पे इतने सारे DMs आए हैं तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि गॉडलाइक का मैच है, बहुत सारे लोगों को, क्योंकि वो लोग एंड अपन बात करते हैं WSB एंड GT वाले मैटर के ऊपर। तो जब WSB के प्लेयर्स लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तब लोग उनको अलग अलग चैट में अलग अलग चीज़ें बोल रहे थे, मतलब एक दो बार तो ऐसी चीज़ें बोल रहे थे जो हुई नहीं है। पहले तो उनको ऐसा बोला गया था कि जो GT के शैडो इन्होंने आपको ट्रोल करा है, इसी के साथ साथ फिर लोग उनको बोल रहे थे कि शैडो ने ऐसा बोला है कि WSB टीम अप कर रही थी, अब ऐसा शैडो ने शायद नहीं बोला था। मतलब हमको पता है कई बार लोग कैसे करते हैं, मतलब जानबूझ के ऐसा ट्राई करते हैं कि कुछ कॉन्ट्रोवर्सी हो जाए, एंड इस पर WSB के प्लेयर्स ने फिर रिएक्ट करा था, तो उनका रिप्लाई भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बेस्ट IGL अकॉर्डिंग टू यू मान्या सेंसी मावी सोमराज डेस्ट्रो या ड्रीम्स भाई जेली, अरे हाँ जेली मैं नाम बोलिए सॉरी यार कितनों का नाम लू लेकिन जेली, हाँ जेली भी है अच्छा है, जेली भी अच्छा है, जेल IGL तो बहुत सारे अच्छे हैं यार। Your views on Shadow who says WSB T2 team? किसने बोला यार, कौन शैडो, मतलब GT शैडो की बात कर रहे हो या फिर TX शैडो या फिर और भी कोई शैडो है क्या? किसने बोला मेरे को नहीं पता, बोलने दो यार हम क्या कर सकते हैं। GT शैडो अच्छा ऐसा बोल रहे क्या, कोई बात नहीं क्या बोले यार हम, कोई बात GT Shadow said WSB and Raven team up in BJS. Okay. ये थोड़ी बोला T2 बोला भाई क्या सही सुनो। Okay भाई okay. किसको भर रहा है? भाई लेकिन GT को मारने के लिए team up कौन करता है? अरे क्यों बोल रहा तू भाई मत बोल ना। Team up कौन करता है किसी को मारने के लिए कोई? अरे छोड़ो भाई guys ignore. मैंने कुछ नहीं सुना वालों को तो हिंदी आती भी नहीं, मैंने कुछ अबे ओ चूतिए बस कर। एंड अपन हम बात करते हैं गॉडलाइक के बारे में, तो फिक्सर जब लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तब उन लोग उनको बोल रहे थे कि क्या सही में हमेशा गॉडलाइक वर्सेस IGC होता है क्या? एंड आप सब अगर बहुत टाइम से फॉलो करोगे तो आपको पता होगा कि बहुत बार चैट में से स्पैम होता है कि गॉडलाइक वर्सेस IGC, मतलब पूरी IGC एक साइड और गॉडलाइक एक साइड, एंड मतलब स्पैम का मतलब ऐसा होता है कि सारी IGC मिलकर गॉडलाइक को टारगेट करती है, IGC के ज़्यादातर मेंबर गॉडलाइक को टारगेट करते हैं, स्पैम का मतलब ऐसा होता है। तो फिक्सर से भी ऐसा पूछा गया था कि क्या सही में ऐसी चीज़ है क्या, तो फिक्सर ने इस चीज़ का रिप्लाई करा था, तो उनका पूरा रिप्लाई आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। POV on Godel versus IGC, is it real? No man, like I don't know why are they, why are just people kind of trying to seek masala out of it. What is this with Godel versus against IGC? Who do you mean by IGC here? Who are the stakeholders of IGC? Do you think should have won Avinav or Pingu? भाई दोनों ही मैं चाहता दोनों में से कोई एक जीते, but अगर आप ये देखा जाए कि on paper stats and performance, so I think Avinav should have won. But at the end of the day, it's a mix of votes and performance. So वहाँ पे पिंगू जीत गया. Simple यार. मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं आई थिंक मेंटर को मेंटर जो कह रही थी कह रहे अगर वहाँ पे स्पेसिफिकली स्टोरी में डाल देता कि अभिनव को वोट करो तो मे बी चीज़ें कुछ अलग होती, बट कैरी ने नॉर्मल वोट करने डालता लोगों ने स्प्लिट वोट्स को स्प्लिट कर दिया अभिनव और चिलगवर में, तो ये सीन हो गया था और कुछ नहीं, ये सीन था प्लेग्राउंड का। गॉडल क्योंकि फैंस अब इंतजार कर करके थक गए हैं एंड गॉडल का फॉर्म वापस आना शुरू हुआ है तो दे वॉन्ट कि वही 2019-20 एरा शुरू वापस आ जाए। फिर और कौन सी TF क्योंकि बाबा ओवेस भाई का गेम सेक्सी, एकदम सेक्सी। हर टीम के पास अपनी एक वजह है
इवन जीटी भी तुम बोल रहे हो तो मैं काउंट करूंगा क्योंकि लाला हैज टू प्रूव अगेन बाबा अभी भी है, गया नहीं है अभी भी। एंड बस अपने आज की वीडियो कर लेती है पर खत्म। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।